हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है जिसके अंदर क्या है, स्टेप्स हैं। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, यानी कि सबसे ऊपर वाले स्टेप पे मंकी बैठा हुआ है। जो टॉप मोस्ट है, जो स्टेप है, उसको कहा गया है फर्स्ट स्टेप, यानी कि हम उसको फर्स्ट स्टेप लेट करेंगे, ठीक है। एंड द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और जो वाटर लेवल है वो कहाँ पे है, 9th स्टेप पे है। सो इस पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये 1, 2 एंड 3। तो ये हम सॉल्व करेंगे इसी, जो आपके यहाँ सामने जो लाइन मैंने अभी प्रेजेंट की है, बिल्कुल उसी पे ही डिपेंड करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। सो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, ही जंप्स 3 स्टेप डाउन, यानी 3 स्टेप वो नीचे आता है, एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप, और वापस जंप करता है 2 स्टेप अप, यानी ऊपर की तरफ चला जाता है। यानी क्या मतलब हुआ कि 3 स्टेप नीचे आएगा और 2 स्टेप वापस ऊपर चला जाएगा। देन इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, यानी कितने जंप के बाद वो वाटर लेवल पे पहुँचेगा, ठीक है। और हमें बताया गया है कि जो वाटर का लेवल है वो कहाँ पर है, 9th स्टेप पर है। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। सो पार्ट 1 की हम बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी इमेज बनाई है, देखिए। आपने एज्यूम करना है कि ये स्टेप्स हैं, क्लियर। सो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। और जो 9th स्टेप है वहाँ पे क्या है, वाटर का लेवल है। तो क्वेश्चन ये था आपसे, पूछा गया ही जंप 3 स्टेप डाउन, यानी 3 स्टेप वो नीचे की तरफ आया एंड जंप कर गया वापस 2 स्टेप ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है कि उसको 9th, यानी कि जो 9th स्टेप है वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने उसने स्टेप की आगे, यानी कि यह कह सकते हैं कि कितने उसने जंप लगाए, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं जंप की। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, 3 स्टेप क्या है, डाउन क्या है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है मंकी, ठीक है। 1, 2, 3। जब वो 3 स्टेप डाउन जा रहा है तो कहाँ पर पहुँच रहा है, वो 4th स्टेप पे पहुंच रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, वो 2 स्टेप वापस ऊपर की तरफ जंप कर जाता है, यानी कि 2 बैक जाएगा। तो 1 और ये यहाँ पे क्या आ जाए, ये 1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये 2, यानी कि वापस वो कहाँ पहुंच जाएगा, 2nd स्टेप पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से तब तक करता रहेगा वो, जब तक वो 9th स्टेप पर पहुँच नहीं जाता। तो मैं यहाँ पर राइट डाउन करती जाऊँगी सारी वैल्यूज़, आपने ध्यान से समझते हुए जाना है। हमें पहुंचना कहाँ है, 9th स्टेप पे, तो उसमें तो हम ऐड करते हुए चलेंगे, और जब वो वापस जाएगा उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब हमें पहुंचना है तो हम ऐड करते हुए चलेंगे, और जब हमें वापस ऊपर की तरफ जाना है तो माइनस करते चलेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें आगे की तरफ बढ़ना है। अगर मैं 3 स्टेप आगे ले रही हूँ और 2 वापस ले रही हूँ, इसमें क्या हो गया, 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट जंप नेम दे दिया है, फर्स्ट जंप का हमने J1 इज़ एट कौन से लेवल पे होगा, एट, अगर फर्स्ट से हो उसने जंप किया तो वो कहाँ पहुँच रहा है, 4th स्टेप पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4th स्टेप। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, 4th स्टेप वो क्या कर रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम यहाँ पे एरो का साइन लगा देंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड जंप की। सेकेंड जंप को नेम दे दिया हमने J2। अब देखिए 4 से वापस क्या चलेगा, 2 स्टेप बैक, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, यानी हमने माइनस कर दिया 2। यही चीज़ मैं आपको बता रही थी, जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम ऐड करते हुए चलेंगे, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2nd स्टेप पे वापस चला गया, ठीक है। अब हम, यह वापस कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ। अब देखिए 3rd स्टेप की बात कर रही हूँ मैं, 3rd स्टेप को हमने नेम दे दिया जंप को J3। अब देखिए सेकंड, मैंने आपको अभी बताया नीचे हमने पहुंचना है, वो हमारा क्या है, हमारा जो मेन पॉइंट है पहुंचने का, तो 2 में 3 ऐड कर देंगे जस्ट, तो क्या हो जाएगा, 5th स्टेप आ जाएगा, क्लियर। अगर नहीं समझ में आया तो आप यहाँ फिगर को देख के भी कर सकते हैं, ये 2 है ना, 2 के बाद देखिए 3, 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आ गया। अब नेक्स्ट देखिए 4th स्टेप, जंप को नेम दे दिया हमने 4। अब देखिए 5, वापस जाना है तो क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3rd स्टेप, यानी वो कहाँ पहुँच गया वापस, 3rd स्टेप पे, और अब वापस कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। ये तब तक प्रोसेस करनी है हमें जब तक कि हम यहाँ पे जो वाटर लेवल है वहाँ तक पहुँच नहीं जाता, मंकी नहीं पहुँच जाता, सॉरी हम कह रही हूँ। सो 5th की बात कर रहे हैं, 5th में हमने जंप को नेम दे दिया J5। अब देखिए 3rd ऊपर की तरफ चला गया ना, जाना कहाँ है, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ हमने पहुंचना है तो वहीं जाना है ना हमें, तो 3 में क्या ऐड होंगे, 3, सो क्या हो जाएगा, 6th, यहाँ पे आ गया 6th स्टेप। ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 6th, जो 6th है हमारा, J6 जंप हो जाएगा,
ठीक है। अब देखिए नीचे की तरफ हमारी मंजिल थी, अब हमने ऊपर की तरफ जाना है, तो यहाँ पे टू स्टेप बैक ले रहा है ना, तो क्या हो जाएगा फोर्थ। अब सिक्स माइनस क्या टू करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर्थ स्टेप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेवन्थ स्टेप की बात कर रहे हैं, फोर में कितने ऐड हो जाएंगे थ्री, तो ये क्या हो जाएगा सेवन स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एट स्टेप, जंप का नेम दे दिया हमने जे एट। अब देखिए सेवन है, नीचे की तरफ जाना था, अब वापस टू स्टेप बैक लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिफ्थ स्टेप। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आ जाता है आपका नाइन्थ स्टेप जे नाइन। फाइव है ऊपर की तरफ, इधर है नीचे आना है, फाइव प्लस थ्री क्या हो जाएगा एट स्टेप। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका टेंथ। टेंथ में क्या है देखिए, जे टेन हो जाएगा हमारा जंप का नेम, एंड एट्थ है तो टू क्या करेगा वो माइनस कर देगा, तो कहाँ पहुँच जाएगा सिक्स्थ लेवल पे, यानी कि सिक्स स्टेप पे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब लास्ट रह जाएगा, देखिए क्यों लास्ट रह जाएगा, क्योंकि सिक्स में हमने क्या ऐड करना है थ्री। सो इलेवंथ स्टेप की बात जब कर रहे हैं, जब उसने इलेवंथ जंप किया तो सिक्स प्लस थ्री क्या हो गया नाइन्थ, तो वो कहाँ पहुँच गया नाइन्थ स्टेप पे, हमें पहुँचना भी कहाँ था नाइन्थ स्टेप पे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इलेवन। सो उसने कितने जंप लगाए या कितने स्टेप्स उसने कितने जंप लगाए, सॉरी स्टेप तो नाइन ही है ना, तो क्या आ जाएगा इलेवन। क्लियर, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से हमने करना है। अब हम बात कर लेते हैं इसी के पार्ट टू की। अब जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम ही है, देखिए सेकंड स्टेप में क्या पूछा है आपसे, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप फोर स्टेप अप एंड देन जंप टू बैक। अब देखिए फोर स्टेप तो क्या कर रहा है वो अप कर रहा है, और टू स्टेप क्या कर रहा है वो डाउन कर रहा है, और हमने जाना कहाँ है फर्स्ट स्टेप पे, एंड देन जंप बैक टू स्टेप्स एंड डाउन इन एवरी मूव, इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच बैक। अब देखिए फर्स्ट जंप की अगर मैं बात कर लेती हूँ, फर्स्ट जंप को हमने अगेन यहाँ पे नेम क्या दे दिया जे वन इज एट। अब देखिए कहाँ पे है वो मंकी, नाइन्थ स्टेप पे है, और ऊपर कितने गया फोर स्टेप, तो नाइन माइनस फोर कितना हो गया, यानी वो कहाँ पहुँच गया सीधा फिफ्थ स्टेप पे, और कहाँ गया है ऊपर की तरफ। ठीक है, देन देखिए ना कि सेकेंड स्टेप में, तो सेकेंड जंप हमने नेम दे दिया जे टू इज एट। अब देखिए फाइव है वो ऊपर की तरफ चला गया, अब उसने वापस टू स्टेप लिए, तो फाइव माइनस टू कितने हो जाएंगे थर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड स्टेप पे वो वापस, सॉरी टू हमने क्या करना है इसमें, तो यहाँ पे देखिए फाइव है ना, अब स्टेप्स इंक्रीज हो रहे हैं, टू वापस आ रहा है ना नीचे, तो स्टेप्स की जब देखिए यहाँ पे देखिए फाइव से वापस आएगा तो सिक्स और सेवन, यानी सेवन्थ पे आ जाएगा, तो टू इंक्रीज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सेवन्थ स्टेप। क्लियर, क्योंकि नीचे की तरफ स्टेप्स जो बढ़ रही हैं। तो अब नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, जो थर्ड जंप है हमने नेम दे दिया जे थ्री। अब सेवन्थ पे आया तो ऊपर की तरफ वापस जाना, तो कितने माइनस होंगे अगेन फोर, तो सेवन माइनस फोर कितना हो गया थ्री, तो यहाँ पे आ गया थर्ड स्टेप। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ जे फोर। अब देखिए थर्ड, थर्ड से वापस नीचे की तरफ आ रहा है, तो कितने ऐड हो रहे हैं टू, तो यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे अब फिफ्थ स्टेप पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फिफ्थ स्टेप जे फाइव, फिफ्थ स्टेप है, अब हमने कहाँ जाना है ऊपर की तरफ जाना है, तो कितने यहाँ पे हो रहे हैं माइनस होंगे, फाइव में से फोर होंगे माइनस, तो बचेगा क्या हमारे पास फर्स्ट ही आ जाएगा ना, तो कहाँ पहुँच गया मंकी अब फर्स्ट स्टेप पे। तो इतने मूव करने के लिए, यानी कि फर्स्ट लेवल पे वापस पहुँचने के, फर्स्ट स्टेप पे वापस पहुँचने के लिए इसने कितने जंप किए फाइव, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा हाउ मेनी जंप्स ही डिड फाइव जंप्स। क्लियर, नाउ मूव करते हैं इसके पार्ट थर्ड की तरफ। थर्ड पार्ट में है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय द पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंटेड हिज मूव्स इन पार्ट वन एंड टू बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग दिस, ए एंड बी पार्ट आपको शो ऑन हो रहे हैं। इन ए द सम माइनस ए रिप्रेजेंटेड गोइंग डाउन बाय एट स्टेप्स एंड सो वट विल द सम एट इन बी रिप्रेजेंट। तो कह रहा है कि जो माइनस एट आपको दिखा रहा है ना, ये तो दिखा रहा है कि गोइंग डाउन, यानी नीचे की तरफ आ रहा है, एंड जो एट प्लस का है ना वो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, ये अपनी शो करना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हुए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे वैल्यू कैसी है। अब देखिए इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, मैंने फिगर बना ली है, देखिए आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे मैंने जंप्स लिख लिए हैं और यहाँ पे हमने लिख दिए हमने नंबर ऑफ स्टेप्स लिख लिए हैं। जो जंप्स हैं देखिए कितने, फर्स्ट में उसने 11 टाइम जंप किया था,
और सेकंड में उसने कितना किया था, 5 टाइम जंप किया था। तो वैल्यू इस तरीके से है, माइनस थ्री प्लस टू, नेक्स्ट क्या हो जाएगी, माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू एंड माइनस थ्री। ठीक है, इस तरीके से है। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के 8। तो सोल्व कर लेते हैं इसको, माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना, माइनस का 8 आ जाएगा। सो ये माइनस का 8 क्या इंडिकेट कर रहा है, कि वो कहाँ की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि डाउन। ठीक है, डाउन स्टेप्स। ठीक है, अब ये बोल रहा है आपसे कि इसमें वो क्या शो करना चाहता है जो पॉजिटिव 8 वैल्यू है। अब देखिए वैल्यू है 4 माइनस 2, यहाँ पे अगेन 4 माइनस 2 एंड 4। अब देखिए अगेन सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 2 प्लस 4, ये पॉजिटिव में रहेंगे, आप ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। सो 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है कि ये जो 8 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि गोइंग अप 8 स्टेप्स। क्लियर, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो मोर क्वेश्चन। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।